उनके पास पूछने को क्या है जी, अरविंद जी हमारे ये क्या बोलते बुर्दा नहीं मट रहे इंदिला ना दिलो, कीचड़ के तरह होते हमारे अरविंद जी, इसीलिए हम लोग कोई उनके ऊपर पत्थर नहीं डालते। बहुत चिचोरा किस्म के आदमी है उन्होंने, लेकिन आज उन्होंने एक एलिगेशन लगाया, इसीलिए मैं जनता को क्लियरिटी देने के लिए मैं यहाँ आके बात कर रही हूँ, वरना उनका नाम लेने के भी लायक नेता नहीं है वो। आज अनफॉर्चुनेट है बीजेपी में इस तरीके के नेता है, तो मैं जनता से इतना ही अनुरोध करना चाहती हूँ, आप पॉलिटिक्स में डिग्निटी मत गिराइए। पॉलिटिक्स में अनेक तरीके के चर्चे होते रहते हैं, होने दीजिए, कोई हाँ बोलेगा कोई ना बोलेगा। लालू प्रसाद जी ने एक बार बहुत अच्छे से बताया था कि बीजेपी के तीन दामाद है, ईडी सीबीआई आईटी, तो ये तीन दामाद जब भी बुलाए आ जाएंगे वही ओपोनेंट्स के घर पे ही आ जाएंगे। तो हालत तो ऐसा ही है, क्योंकि जब से बीजेपी पावर में आई है तब से लेके आज तक तकरीबन 25,000 केसेस ऑपोजिशन लीडर्स पे लगाए गए, लेकिन एक भी केस बीजेपी नेता पे नहीं है। आज जनता को यह सोचना चाहिए कि बीजेपी के नेता पे ईडी क्यों नहीं लगती, आईटी क्यों नहीं लगती, सीबीआई क्यों नहीं लगती? क्या ये दूध के धुले हुए गंगा मैया में पैदा होके आए क्या? ऐसा तो नहीं है ना। क्यों बीजेपी नेताओं पे ईडी नहीं लगती? और जो नेता पे ईडी लगता है, या तो वो जय मोदी करेगा तो नई ईडी होगा, नहीं तो जय मोदी नहीं बोलेगा तो फिर ईडी होगा। ये तो ईडी सीबीआई आईटी हैव बिकम अ वॉशिंग पाउडर निर्मा काइंड ऑफ ए कॉन्सेप्ट, निर्मा में नहला के बीजेपी में ले लेते हैं। तो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, बट देर इज अ टाइम। बहुत ज्यादा हो गया ये इस तरीके का राजनीति, लोगों को भी पसंद नहीं आ रहा है। बराबर लोगों से एक इनकलाब निकल के आएगा, और बराबर हमारे जैसे नेता जो है, जो लोगों में हमेशा रहते हैं, हमारे साथ जनता देगी, हमारा पूरा पूरा विश्वास है।